Assalamualaikum viewers, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक राज की बात सुन लो। मुझसे मेरी अक्सर बहनें पूछ रही थी कि सर्दी के सीजन में स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ, डल और बेजान सी दिखती है, तो उसके लिए कोई ऐसा लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग वाला फेशियल बता दीजिए जो कि सारे के सारे इफेक्ट्स इकट्ठे एक साथ हमें दे दे। तो भाई, ये वाला फेशियल अगर आप ट्राई करोगे तो ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला फेशियल इन तमाम मसाइल का सॉल्यूशन है। और सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लोगों ने फेशियल की ट्यूब्स की गिनती में मुझे लाइक करना ही भूल जाना है। बड़े दिनों बाद एक बहुत ही इंप्रेसिव पैकिंग वाला फेशियल हाथ आया है। फेशियल का नाम है जी डर्मा क्लियर स्किन व्हाइटनिंग सॉल्यूशन इंस्टेंट व्हाइटनिंग फेशियल किट। और मजे की बात यह है कि खोलने पर सारे का सारा प्रोसीजर, तरीका इस्तेमाल ऊपर ही मेंशन कर दिया गया है, बड़े ही आसान और सादा से अल्फाज में, ताकि किसी को किसी झमेले में पड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े कि कैसे लगाना है, कब लगाना है, कैसे उतारना है, कौन सी ट्यूब पहले आएगी और कौन सी बाद, और कब वॉश करना है वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पर मैं ये बात खुद से नहीं कह रही, बल्कि मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऑडियंस कह रही है। जब मैंने इस फेशियल की स्टोरी अपलोड की थी तो बहुत सारी मेरी बहनों ने आकर कहा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि आप ये फेशियल ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बॉम्बास्टिक हैं भाई। तो फिर मैं भी यूज़ किए बिना नहीं रह सकी। उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने ऑलरेडी लेकर रख लिए थे, जो कि मैं अभी वीडियो में शो कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ने हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इस स्पेशल में बहुत मजे के आइटम्स हैं, मैं बताती हूँ अभी शॉर्टली सा और अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि 1 नवंबर को मैंने इसे स्पेशल को अनबॉक्स किया था, और फिर मैंने इसे उसी दिन ट्राई किया था, और फिर 13 नवंबर को दोबारा से ट्राई किया था, और आज मतलब कि 10 दिसंबर को इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा 1 मंथ गुजर चुका है इसको ट्राई करते हुए। इसके जो भी खामियां और खूबियां थी वो सारी की सारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सा स्टेप कितना अच्छा है और कौन से में कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा इंट्रो काफी ज्यादा लंबा हो गया है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। अब आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुन और समझ लेना है, और तमाम बातों को अपने पल्लू से अच्छी तरह से बांध लेना है। हाँ जी, अब सबसे पहले बारी आती है क्लींजिंग की। इसका क्लींजर बहुत ही शानदार है यार, और बहुत ही मॉडर्न सी पैकेजिंग में है। और सबसे मजे की बात इस पूरे फेशियल में मुझे ये लगी है कि इनकी स्मेल या फ्रेग्रेंस इतनी तेज या हार्श नहीं है जो कि चुभती रहे या आप लोगों के लिए इरिटेशन का बाइस बने। अच्छा, इस फेशियल को 2 बार ट्राई करने के बाद जो बात मुझे इसमें दिखी है ना, वो ये है कि इसका हर एक स्टेप हमारे रिजल्ट्स को बढ़ाता ही चला जाता है, क्योंकि डर्मा क्लियर एक ऐसा फेशियल है जो कि बेस करता है एक्सफोलिएशन पर। अब इसको वो वाली एक्सफोलिएशन नहीं समझ लेना, बस ये एक ज़रूरी सी और बराए नाम सी एक्सफोलिएशन करता है। और दूसरे नंबर पर इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और पॉली हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि AHA और PHA मौजूद है। शॉर्टली से अगर मैं बताऊं कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फ्रूट से हासिल किया जाता है, जैसे कि पाइन एप्पल और ग्रीन एप्पल्स वगैरह से। इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं उसमें शामिल है स्किन को हेल्दी ग्लोइंग लुक देना और वाइटनिंग इफेक्ट देना। और PHA एक सिंथेटिक एसिड है जो कि AHA के साथ शामिल होकर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, और किसी भी प्रोडक्ट की वजह से डैमेज हुई स्किन को हील करने की सलाहियत रखता है। तो ये वाला फेशियल AHA और PHA का ऐसा इम्तिजाज है जो कि किसी भी साइड इफेक्ट के बगैर मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अच्छा भाई, इसके क्लींजर में ऐसे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि डीप क्लींजिंग की सलाहियत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो इसे 5 मिनट तक अपने फेस पर मसाज कीजिए, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेकअप वगैरह किया हुआ है तो पहले एक बार अप्लाई करेंगे इसको, फिर एक बार मसाज करने के बाद इसको रिमूव कर देंगे, 1 मिनट के लिए सिर्फ करना होगा। देन आप इसे दोबारा अप्लाई करेंगे और इसे 5 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करेंगे। और अगर मेकअप नहीं किया हुआ, जैसे कि यहाँ पर मेरी स्किन बिल्कुल साफ है, तो मैं इसे एक बार ही अप्लाई करूंगी, 5 मिनट तक मसाज करूंगी, और फिर अपने फेस को वॉश किया जा सकता है किसी भी टिश्यू या कॉटन के साथ। अच्छा जी, अब बारी आती है टोनिंग की। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर। कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज होती है ना जो कि हमारे पोर्स के अंदर फंस के रह जाती हैं और निकलती नहीं क्लींजिंग करने के बावजूद भी, तो उसके लिए हम यहाँ पर टोनिंग करेंगे। और टोनिंग जो है ना वो उन इंप्यूरिटीज को आराम से हमारे मसाम के अंदर से खींच कर बाहर निकाल देगी। सबसे पहले गर्दन और चेहरे पर इसको अप्लाई करके 2 मिनट के लिए मसाज कीजिए, और फिर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये ड्राई हो जाए।
अच्छा जी, तीसरी बारी है स्क्रब की, और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यकीन मानिए ये है कि इसके अंदर जो भी ग्रैन्यूल्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा तेज़, हार्श या चुभने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल बारीक से हैं और ऐसे हैं जैसे कि रेत जैसे हों, और इन्हें कहा जाता है मैक्रोफोलिएंट्स। ठीक है जी, ये काम क्या करते हैं? ये काम ये करते हैं कि ये हमारी स्किन के ऊपर से जो बिल्कुल बारीक डेड लेयर्स होती हैं ना, उनको आहिस्तगी के साथ रिमूव कर देते हैं कि पता तक भी नहीं चलता, और नीचे से जो स्किन नज़र आती है ना बाद में, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्प हो चुकी होती है। बाकी इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल आम और सादा सी ही है, इसको अपने पूरे फेस पर और गर्दन पर अप्लाई कीजिए, 2 से 3 मिनट तक इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज दीजिए, देन इसको वाइप ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, फोर्थ स्टेप है जी इनकी सबसे अमेजिंग चीज़, हाईली कॉन्सेंट्रेटिंग साइबर वाइटनिंग सीरम। इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ चंद कतरे ही बहुत हैं, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटिंग सीरम है, इसलिए ये लगाते ही आप लोगों को हल्की सी इरिटेशन करेगा। इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, 1 से 2 मिनट्स के अंदर ही आपकी स्किन नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि किसी जगह पर इसकी पंचिंग बरकरार है, तो वहां से स्पंज के साथ इसको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, 2 मिनट्स बाद जब आपकी स्किन बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उस वक्त आप लोगों ने उन एरियाज़ पर इसकी एप्लीकेशन अगेन करनी है जहां पर आप लोगों को अनइवन स्किन का इशू है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, या आप समझते हैं कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा अनइवन टोन हो चुकी है, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ और, तो वहां पर फिंगर्स के साथ इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने अगेन करनी है। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है और गौर से सुन लीजिए कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, सेंसिटिव है या ब्रोकन किस्म की एक्नी हो रही है उसके ऊपर, तो ये वाला सीरम आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब आगे जी बारी मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट स्टेप की, और ये है जी मसाज क्रीम। मसाज क्रीम इनका फिफ्थ स्टेप है, और आप लोगों ने जो सीरम फोर्थ स्टेप पे अप्लाई किया था उसको एज इट इज़ लगा रहने देना है, साफ़ नहीं करना, उसी के ऊपर हम लोग इस मसाज क्रीम के साथ अपने फेस पर और गर्दन पर मसाज करने वाले हैं। इसे कहते हैं जी स्किन रेडियंस वाइटनिंग मसाज क्रीम। ख़ास तौर पर सर्दी के सीज़न में ड्राई स्किन वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। अब आप लोगों ने मसाज क्रीम निकालनी है और प्रॉपर मसाज लेना है, और मैं यहाँ पर अक्सर कहती रहती हूँ कि अगर मसाज करने वाला कोई और मिल जाए ना तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। लेकिन मसाज का जो इफ़ेक्ट होता है वह दुगना तिगना आपको हासिल हो सकता है कि अगर कोई और मसाज करता है आपकी, और आपके असाब जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, तब आप पर मसाज का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर आता है बनिस्बत खुद करने के। लेकिन मैं यहाँ पर खुद ही करूँगी, अगर आप घर पर ये फेशियल ट्राई कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अकेले अकेले खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा भाई, इस मसाज क्रीम के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो स्किन के ऊपर वीक सेल्स होते हैं उनको दोबारा से रिजुनेट करता है, उठने की दोबारा से ताकत प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये मसाज ही तो होता है जो कि हमारी स्किन को इवन टोन में लाता है, हेल्दी और स्मूथ लुक भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर जो पते की बात है वो ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो इसकी मसाज जो है वो आपने 8 से 10 मिनट तक करनी है। अगर स्किन नॉर्मल है तब भी यही टाइमिंग रखेंगे, लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो तब आप को 4 से 5 मिनट तक मसाज देंगे और उसके बाद वाइप ऑफ कर देंगे। हमारा 6th स्टेप है मास्क का, और ये कोई पील ऑफ मास्क नहीं है बल्कि बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है, और इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक ब्रश लेंगे और उसके ऊपर इसको हल्का हल्का सा, जैसे कि मैं वीडियो में डाल रही हूँ, डालने के बाद अपने पूरे फेस पर और गर्दन पर भी आप इजी हों तो इसे अप्लाई किया जा सकता है। इसको अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे और फिर इसको हम लोगों ने वॉश कर लेना है, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म में था ना, इसलिए मैंने पहले भी बताया। तो भाई अब क्या करेगा कि ये वाला जो मास्क है इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी हम लोग स्टेप्स करके आ चुके हैं ये उनको रोके रखेगा, उनको वेस्ट नहीं होने देगा। तो ये वाला मास्क बहुत अच्छा है, और इसकी फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो बस इसी की फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी सी मालूम हुई थी, बाकी तो किसी भी स्टेप की फ्रेग्रेंस थी ही नहीं। पूरा फेशियल जो है ना वो फ्रेग्रेंस लेस है या बिल्कुल ना होने के बराबर। 7th और लास्ट स्टेप पर आ जाती है हमारे पास बैलेंसिंग क्रीम। जब हम बहुत सारे एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करके आ रहे हैं तो थोड़ी सी हमारी स्किन सेंसिटिव रिएक्ट तो करेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बैलेंसिंग क्रीम, ताकि हमारे तमाम प्रोडक्ट्स के बाद हमारी स्किन पर से जो गैर महसूस अंदाज से एक बारीक सी लेयर थी वो उतरी है, उसको दोबारा रिपेयर किया जा सके। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सारे मामलों को बैलेंस में रखती है, और इसी के साथ साथ हमारी स्किन को एक प्रोटेक्टिव
लेयर भी प्रोवाइड करती है। जिन लोगों के स्किन पर बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है या बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है स्किन, बहुत ज्यादा हल्के हल्के से बारीक बारीक से दाने फील होते हैं, तो ये वाली क्रीम लगाने के बाद वो सारे के सारे मामला बिल्कुल रिजॉल्व हो जाने हैं। इसके साथ साथ माहौल से भी और डर्ट से भी, क्योंकि इसके अंदर सन प्रोटेक्शन होने की वजह से ये हमें यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हाँ जी, यहाँ पर हमारा फेशियल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें अब ये समझती हैं कि एक बार अगर फेशियल कर लिया तो 10 से 15 दिन तो ऐवे आराम से गुजर जाएंगे, कोई स्किन केयर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक बार फेशियल कर लिया ना, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ये सरासर बेवकूफ़ी है। हमें अपने प्रॉपर स्किन की केयर करनी चाहिए, तभी तो आप सबसे अलग नजर आएंगी। फेशियल करने के बाद अगर आप डेली बेसिस पर क्लिनजिंग करते रहते हैं, टोनिंग करते रहते हैं या फिर बैलेंसिंग क्रीम अप्लाई करते रहते हैं, तो आपने जो ट्रीटमेंट लिया होता है उसका रिजल्ट काफी लंबे अरसे तक बरकरार रहता है, जो आपको मिला होता है। भाई मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और जाहिर है कि इस तरह की एक्टिविटीज बरकरार रखने से आपके अंदर अपने स्किन की केयर करने का शौक भी पैदा होता है और लाइफ भी मजेदार हो जाती है। So, भाई इस फेशियल को दो बार ट्राई करने के बाद मेरी पर्सनल राय इस फेशियल के बारे में ये है कि ये एक मॉडर्न फेशियल है जिसके सारे स्टेप किसी दूसरे फेशियल के मुकाबले में अपडेटेड हैं। अगर इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करें कि कितनी किस्म की हैं और कैसे कैसे हैं, तो सबसे पहले आ जाता है लार्ज, नंबर टू पर आ जाता है गिफ्ट बॉक्स जो कि मेरे पास आया हुआ है, नंबर थ्री पर आ जाएगा मीडियम और नंबर फोर्थ पर आ जाएगा स्मॉल। और अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। और हाँ, मजे की बात यह है कि इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए MM10%, आपको ऑफ मिल जाएगा। अब काफी सारे लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पता नहीं चलता, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के नीचे जस्ट जो टाइटल लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा प्यारे से हाथ के साथ जस्ट क्लिक करेंगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इनकी वेबसाइट का लिंक भी वहां पर मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके किसी भी चीज के बारे में जानना चाहें, देखना चाहें तो देखा जा सकता है। इसके अलावा इनका एक इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक भी यहां पर पुट कर रही हूं। उसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाते हैं और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो वहां पर भी जाकर ली जा सकती है। यहां पर एक बात और आप लोगों को बताती चलूं कि चाहे पूरा फेशियल खरीद लें या चाहे इसकी 1, 2, 4, 5 जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन MM10 कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को फायदा हो। सो हंसते मुस्कुराते रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।